वहीं इसी बीच देखिए बड़ी खबर जबलपुर से मिल रही है, जहां एलपीआर रेंज में चोरी का मामला और इस पूरे मामले में सेना ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है। मामले में एएसपी संजय अग्रवाल का बयान सामने आया, जानकार ने उपकरण चुराया है। एएसपी ने कहा एलपीआर लैब से चोरी बमों के उपकरण चोरी किए गए, टंगस्टन और इसके साथ ही पेनिट्रेटर उपकरण चोरी हुए हैं। बम के अंदर से बारूद निकाली गई, बारूद निकालने के बाद उपकरण चोरी हुए हैं। जबलपुर से एक खबर, जो एलपीआर रेंज में चोरी का यह मामला, दुर्गेश मिनट सर के अधिक अपडेट्स के लिए जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, क्या जानकारी है, क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले में हो पाए हैं? बिल्कुल करिश्मा, देखिए लॉन्ग प्रूफ रेंज एलपीआर रेंज है, जहां पर तमाम गन्स और जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं उनके वहां पर परीक्षण किया जाता है। एलपीआर सबसे संवेदनशील और सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है, क्योंकि खमरिया फैक्ट्री में बनने वाले तमाम जो बम होते हैं, जो तोप होती है, गन्स, तो यहाँ तक की एलपीआर में धनुष और बाकी गन्स का भी वहां पर परीक्षण किया जा चुका है। ऐसी जगह से सेना के तीन बमों के जो उपकरण चोरी हुए हैं, उसने वाकई पूरी सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं और तमाम व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये घटना कल की है, आज एफआईआर दर्ज होने के बाद, कल खमरिया थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद आज पुलिस के आला अधिकारियों की टीम जो है एलपीआर रेंज पर पहुंची और वहां पर हर एक पहलू पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। सेना ने भी अपने स्तर पर इंटरनल इंक्वायरी शुरू की है, लेकिन प्राथमिक तौर पर जो खबर सामने निकल कर आई है उसमें ये कहा गया है कि एलपीआर से जो बम चोरी होने की घटना आ रही थी, उसमें बमों के उपकरण को चोरी किया गया है और टंगस्टन पेनिट्रेट नाम का एक उपकरण होता है जो काफी महंगा होता है और उस उपकरण को जो है चुराया गया है। जानकारों का ये भी कहना है कि ये काम किसी ऐसे जानकार का हो सकता है जो बमों के बारे में पूरी तरीके से परिचित हो, क्योंकि जो बारूद का हिस्सा है उसे निकालकर अलग किया गया है, तो ये काम केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो बमों की पूरी जानकारी रखता हो। तो इस लिहाज से तमाम पहलुओं पर ये जांच पड़ताल की जा रही है और आने वाले दिनों में खुलासा होगा कि इस चोरी के पीछे आखिरकार किन लोगों का हाथ था और कौन इसमें शामिल है। ठीक है दुर्गेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो काफी शातिर यहाँ पे चोर है, फिलहाल पूरी जांच पड़ताल की जा रही है।